भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में चार सूत्री मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी उतरौला को सौंपा ज्ञापन। जनपद बलरामपुर विकास खंड श्री दत्तगंज अंतर्गत बाजार शुगर मिल इटई मैदा के खिलाफ गन्ने का भुगतान न होने के कारण परेशान हो चुके किसानों ने भारतीय किसान क्रांति यूनियन के पदाधिकारी गणों के साथ मिलकर उतरौला चौराहे पर जाम किया और बाजार चीनी मिल इटई मैदा के खिलाफ नारेबाजी भी की और SDM उतरौला संतोष कुमार ओझा को ज्ञापन सौंपा। मांग की कि अगर 12 फरवरी तक गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो 13 फरवरी को बाजार चीनी मिल इटई मैदा का घेराव एवं विशाल धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए करेंगे। जब तक गन्ने का मूल्य भुगतान नहीं किया जाता है तब तक धरना चलेगा और मिल बंद रहेगी। किसान यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह, ब्लॉक अध्यक्ष पंडित बड़े लाल पांडे, युवा अध्यक्ष बलराम मिश्रा, मीडिया प्रभारी आचार्य राकेश तिवारी, प्रवक्ता प्रदीप शास्त्री एवं यूनियन के नए व पुराने काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह ने बताया कि इसके पहले भी ज्ञापन कई बार दिया गया लेकिन मिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसके बाद मजबूर होकर भारतीय किसान क्रांति यूनियन के पदाधिकारियों ने मजबूर होकर के विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। आह्वान भी किया मिलकर के धरना प्रदर्शन करें।